अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मौका था महिला दिवस का और जगह थी मेरठ आबुलेन स्थित दास हुंडई का सर्विस सेंटर। इस मौके पर दास हुंडई मेरठ ने सभी महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया, साथ ही पुरुष कर्मचारियों ने महिलाओं का स्वागत करते हुए शॉल और गिफ्ट भेंट किए। आपको बता दें कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में दास हुंडई खास महिला ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट हैम्पर दे रहा है। फर्स्ट बाइट की टीम ने जब दास हुंडई में आई एक महिला ग्राहक से बात की तो पता चला कि वो दास हुंडई की सर्विस से संतुष्ट हैं और ऐसे मौकों का बेसब्री से इंतजार करती हैं। जी नाम है मेरा। आप यहाँ पर कितने टाइम से जुड़ी हुई है दास? मैं यहाँ पे काफ़ी तीन चार साल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? एक्सपीरियंस अच्छा है, गुड। आप कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं? ग्रैंड आइटन यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आके आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ की सर्विसेज कैसी है? यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, मच बेटर। आज वुमेंस डे है, जी। तो आप वुमेंस डे पे क्या कहना चाहेंगे? वुमेंस डे पे यहाँ पे मतलब डिस्काउंट वगैरह अच्छा मिलता है वुमेंस डे का, तो काफ़ी टाइम से मुझे मिलता आ रहा है, तो इसलिए मेरे को आज भी मिला, तो इसलिए मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, आज भी मेरे को वुमेंस डे पे ऑफर मिला। इस मौके पर जब दास हुंडई की महिला कर्मचारियों से बात की तो सभी ने दास हुंडई के वर्क एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट की सराहना की और सीनियर स्टाफ की तारीफों के पुल बांधे। आइए जानते हैं क्या बता रहा है दास हुंडई का फीमेल स्टाफ। विमेंस डे के दिन आज हम यहाँ दास हुंडई में मौजूद हैं। यहाँ पर विमेंस डे के दिन महिला स्टाफ के लिए, मतलब लेडीज स्टाफ के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया उनको सम्मान देने के लिए, और यहाँ पर हमारे साथ हुंडई दास हुंडई की सारी लेडीज स्टाफ बैठी हुई है। आइए जानते हैं इनके विचारों को। मैम आपका नाम? रश्मि। मैम यहाँ कितने सालों से आप काम कर रही हैं? अभी मुझे 6 मंथ ही हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है यहाँ का एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटीज़ वगैरह, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज ये प्रोग्राम रखा गया आप लोगों के लिए, क्या आपको पता था? मैम सरप्राइज़ था एक्चुअली, हमें भी कंफर्म नहीं था। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए ऐसा यहाँ पे कुछ किया गया। ओके और मैम आपका नाम? रितु। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही हैं? मुझे 7 मंथ हो चुके हैं, बट मैं यहाँ से 4 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ काम करके? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने कहीं और ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ, सो मुझे लगता है एक फैमिली होती है और उसी के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को भी अपनी फैमिली मान के चलती हूँ, और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। हाउसवाइफ के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं अपने लाइफ में, बट मुझे यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी पड़ती, क्योंकि पहले ही सब समझ जाते हैं और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे यहाँ मिल जाती है। मैम आपका नाम? सौम्या शर्मा। आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही हैं? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा है। क्या क्या सीखने को मिला, कैसा इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट मैम यहाँ पे बहुत अच्छा है, सेफ्टी सबसे पहली रखी जाती है गर्ल्स के लिए, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिंग स्टाफ है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी की बात करें तो कैसी कैसी सिक्योरिटीज विमेंस को दी गई है यहाँ? हर तरीके से मतलब सेफ्टी रही, जैसे पार्टी में कि हम बाहर जाते हैं तो हमें पार्टी के बाद सेफली घर पहुँचाया जाता है कार के थ्रू, मतलब हम अकेले नहीं जाने देते हैं, और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद हमसे फ़ोन भी करवाते हैं कि आप घर पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो सेफ। मैम आपका नाम? माय नेम इज़ मिंटी सेन। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है मुझे। अच्छा, तो 1 मंथ हुआ है आपको, तो इस 1 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, यहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है, और मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ से कम ऑटोमोबाइल में वो जॉब करती थी, तो मैंने जब उनको बोला कि मैंने दास हुंडई जॉइन किया है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है, और मैं काफ़ी मैंने देखा है वहाँ पे, जैसे उन्होंने भी सुना होगा कहीं पे, तो वो बोलती थी कि वहाँ के जो बॉस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आइए अब साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या बता रहे हैं दास हुंडई के वर्क मैनेजर जेएस राणा। देखिए मैं यहाँ लास्ट 20 ईयर्स से वर्किंग में हूँ दास हुंडई के साथ, और मेरे साथ जो भी बंदा जुड़ा है, मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ एज ए परिवार की तरीके से हम लोग काम करते हैं। मेरे को यहाँ का दायित्व दिया गया है एज ए जीएम सर्विस, अगर मैं यहाँ हूँ तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इवन जो भी हमारे यहाँ वर्किंग कर रहा है बंदा, चाहे वो लेडी हो मेंस हो, वो जस्ट एक परिवार के तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो वुमेंस की सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ वुमेंस ही नहीं बाकी सारे स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या क्या कहना चाहता? देखिए वुमेंस की सिक्योरिटी या मेंस की हो, हमारे को अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे से किसी की गलतियाँ बर्दाश्त नहीं हैं, जैसे हमारे बड़े, सेम वही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी कारणवश
हमें लग रहा है कि मौसम में चेंजेस हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वंस को ऑफिस तक छुड़वाते हैं, जैसे ऑफिस से लाना या घर छोड़ना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। ओके, तो सर आप ये बताइए कि फीडबैक होता है कस्टमर्स का फीडबैक और स्टाफ का फीडबैक, तो वो कैसा मिल रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, कस्टमर्स के फीडबैक की जहाँ तक बात करेंगे, इवन ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग सर्विसिंग में नंबर वन आते हैं, और ड्यू टू वुमेन्स जितने भी हमारे जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मीन्स वुमेन्स में अगर हम यहाँ के लेडीज स्टाफ की बात करें तो इन्हीं का मैक्सिमम सपोर्ट रहता है, कस्टमर से फीडबैक यही लेते हैं, जितनी भी कॉलिंग होती है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने वुमेन्स को दिया हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है। सर अभी वुमेन्स डे पे आपने बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चलाए, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। वुमेन्स डे पे हुंडई की तरफ से 6 से 8 तारीख के बीच में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ऑल ओवर इंडिया, और इसमें पार्ट्स एंड लेबर दोनों पे डिस्काउंट्स है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी हुंडई ने डिस्काउंट्स ऑफर किया है, स्पेशली वुमेन्स के लिए एक अलग से हम लोग एक्टिविटीज़ की थी हमारे यहाँ पे कस्टमर्स के साथ में, केक कटिंग वगैरह भी किया गया, जैसा आपने आज देखा हमारे यहाँ पर पूरा ओवरऑल जितने भी स्टाफ हैं वुमेन्स हैं हमारे यहाँ। नहीं, ख्याल नहीं होता, ये परिवार से कुछ चीज़ें हमें सीख में मिलती हैं कि हमें उन्हें रिगार्ड करना चाहिए, वो हमारे बच्चों की तरह हैं, इवन पूरा ट्रीटमेंट फुल फ्लैश हमें उनको सपोर्ट करना है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।